अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंटीफॉर्म। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियाज रहने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं एक काम से, आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ये पिंजरा लेने सरफराज भाई के सेटअप पे। असल में इन्होंने अपना सेटअप ख़त्म किया है और हमने इनसे लब्बर लगा के पेड़ लिए 4-5 और फिर केज भी ले लिया आखिर में। तो ये 1.5x1.5 का खाना है इसमें और फ्रंट बॉक्स ऑप्शन है। कंडीशन इसकी बिल्कुल ओके है, थोड़ा बहुत है बस इस पर कर देंगे कलर। तो चलते हैं, बॉक्स वगैरह भी लिए हम, आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं बॉक्स इसके। हमारी हालत ख़राब हो गई है, 4th फ्लोर से इस पिंजरे को उतारा है, नीचे लाए। अब इसको लेके जाएंगे। 4 डब्बे इसमें रख दिए, बाकी डब्बे कट्टे के अंदर है बॉक्स। चलें दिखाते हैं आपको जो भी होगा आगे। तो फ्रेंड्स, इस पिंजरे को बांध दिया है रिक्शे के ऊपर, अल्लाह मालिक है घर पहुँचाना है इसको। चलते हैं फिर अब इसको लेके। तो भाई फाइनली ये आ गया घर पे, अब इसको सेट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे इसमें कि हमने इसको क्या हल करा है पिंजरे का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉक्स हमने लिए थे, फिर सोचा यार ये बॉक्स तो कंडीशनिंग की सही थी, लेकिन हमने फिर भी इस पर कलर कर दिया ताकि थोड़ा अच्छे लगने लगे, और ये लग भी रहे अच्छे। आप देख सकते हैं अलग ही लग रहे हैं बॉक्स। तो भाई ये ट्रे पे भी कलर हो गया, तकरीबन तैयार हो गई ट्रे भी, साफ़ सुथरी हो गई, और ये पिंजरा भी साफ़ सुथरा हो गया, इस पर कलर कर दिया, देख सकते हैं आप। और ये बॉक्स सीट तो बना ली थी अपन ने, और ये भी साफ़ हो गया। चल के लगाते हैं इसको ऊपर फॉर्म में, लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं फिर कैसा लग रहा है। पिंजरा भी मगरिब हो गई है तो सही नज़र नहीं आ रहा है। तो फाइनली हमारा केज आ चुका है हमारे फार्म में, देख सकते हैं आप। हमने इसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, और ये ब्लू कलर की वजह से बिल्कुल नया पिंजरा लग रहा है, नया लुक आ गया है। बॉक्स में भी, बॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं इसमें, और लकड़ी में भी जान आ रही है। पिंजरा भी देखें एकदम नया लग रहा है यार ये, और अलग ही लुक आ रहा है। जितने भी केजी रखे हैं मैंने उन सब में अलग ही लग रहा है ये। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखें अपने, अपने बच्चा ख्याल रखें। जज़ाकअल्लाह।